मॉर्निंग सर। वर्कबुक चैप्टर नंबर 5 द वे द वर्ल्ड लुक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ द टॉप फ्रंट एंड साइड व्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट। टॉप व्यू, फ्रंट व्यू एंड साइड व्यू। ओके, देखो टॉप व्यू मैंने आपको बताया हुआ है, टॉप व्यू यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर से देखते हैं, टॉप से देखते हैं। ठीक है, यानी हम हमारे टेरेस पे से अगर नीचे कार खड़ी है ना, अगर वो देखते हैं, ठीक है, अभी देखो सपोज कि ये कार है आपकी, ठीक है, ये क्या है, ये आपकी कार है। ओके, अगर वो आप छत पे से देखते हो ऊपर से, ठीक है, यानी कि यहाँ ये टेरेस है, यहाँ से अगर आप देखते हो नीचे, ठीक है, तो आपको कार का सिर्फ टॉप व्यू दिखाई देगा, ये पोर्शन, ये पोर्शन और ये पोर्शन। गेटिंग माय पॉइंट? टॉप व्यू यानी कि ऊपर से देखना। अभी देखो यहाँ पे जैसे कि बुक है, तो बुक का टॉप व्यू क्या होगा, यानी कि बुक का टॉप व्यू कुछ इस तरह से होगा। देखो ये जो मैं शेडेड पार्ट कर रहा हूँ वो आपको ऊपर से दिखाई देगा, तो वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। ओके, ये उसका क्या होगा, टॉप व्यू होगा। ओके, फिर देखो फ्रंट व्यू, यहाँ पे मैंने एफ लिखा है, यानी कि उसको सामने से देखते, फ्रंट में से, तो ये पोर्शन आपको फ्रंट में से दिखाई देगा, तो ये मैंने फ्रंट व्यू में यहाँ पे ड्रो किया है। ओके, उसके बाद में था साइड व्यू, यानी कि यहाँ से साइड में से अगर हम देखते हैं तो वो पोर्शन आपको, ये जो सेड कर रहा हूँ ना, वो पोर्शन आपको दिखाई देगा, तो वो मैंने यहाँ पे ड्रो किया है। गेट इट ऑल ऑफ यू, आपको पता चल रहा है ना, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू एंड साइड व्यू। वैसे देखो ये जो सेकंड ऑब्जेक्ट है, अगर हम ऊपर से देखेंगे, ऊपर से, ठीक है, तो वो ये सर्कल हमें दिखाई देगा, yes. तो वो आएगा आपका टॉप व्यू। वो क्या आएगा, टॉप व्यू। उसके बाद में आप साइड में से देखते हो, फ्रंट में से देखते हो, तो आपको ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा, आपको सिर्फ इतना ही पोर्शन दिखाई देगा। देखो ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ना, इतना ही आपको दिखाई देगा, वो आपका क्या हो जाएगा, फ्रंट व्यू। ओके, वो क्या हो जाएगा, फ्रंट व्यू। अभी बात आती है साइड व्यू की, यानी कि इस साइड से अगर आप देखते हो, ठीक है, तो अभी तो वो वहां पे भी आपको सेम उसी तरह दिखाई देगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या सर्कुलर है, इसलिए ये दोनों सेम ही होंगे। ठीक है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। देखो ये यहाँ पे जो कंपास बॉक्स है, ठीक है, अगर हम लिख लेता, देखो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, अभी आपको कुछ नहीं लिखना, पीडीएफ वीडियो के एंड के बाद आपको मिल जाएगी, इसमें आपको नहीं लिखना है, सिर्फ समझ लो। तो टॉप व्यू में हम यहाँ से देखेंगे तो टॉप व्यू कुछ इतना आपको दिखाई देगा, पेज नंबर, वर्कबुक निकाल दो आपकी, ठीक है, हाँ सर, कौन सा पेज नंबर है, वर्कबुक निकालो, चैप्टर निकालो, पता चल जाएगा। तो वे दिल लॉक, हाँ तो देखो उसमें लेजेंड, तो ये हो जाएगा टॉप व्यू, ठीक है, फिर आपको करना है फ्रंट व्यू, यानी कि यहाँ देखो ये फ्रंट व्यू हो जाएगा उसका, ठीक है, तो वो कुछ इस तरह से आ जाएगा, और ये हो जाएगा उसका साइड। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपको खुद ही सॉल्व करना है कि ये जो हाउस है उसका टॉप व्यू क्या होगा, तो देखो तो उसका टॉप व्यू सिर्फ इतना ही होगा, ये सिर्फ लाइन है और कुछ आपको ऊपर से नहीं दिखाई देगा। उसका जो है फ्रंट व्यू वो इस तरह से आपको दिखाई देगा, तो फ्रंट व्यू कैसा होगा, देखो यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये उसका हो जाएगा फ्रंट, ऐसा, यानी कि ये पूरा पोर्शन, देखो ये पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा, उसका फ्रंट व्यू हो जाएगा। एनी मोर पॉइंट ऑल ऑफ यू, यस सर, और साइड व्यू, साइड व्यू क्या हो जाएगा, ये उसका पूरा साइड व्यू हो जाएगा। ये आपको होमवर्क में लिखना है। ओके, getting my point all of you?
उसके बाद में क्वेश्चन नंबर टू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. द फ्रंट व्यू ऑफ द गिवन डाइस इज, फ्रंट व्यू आपको लिखना है. फ्रंट व्यू यानी कि क्या होगा, देखो फ्रंट व्यू यानी कि सामने से देखना है. तो यानी कि पी क्या होगा, फ्रंट व्यू होगा. टी क्या होगा, टॉप व्यू होगा. एम एम होगा आपका साइड व्यू होगा. ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है फ्रंट व्यू का, तो फ्रंट व्यू में क्या आएगा, पी, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन. ओके, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर टू, साइड व्यू ऑफ द गिवन डाइस. देखो साइड व्यू आपको लिखना है, साइड व्यू. ठीक है, साइड में यानी कि ये उसका साइड व्यू होगा, ये इसका फ्रंट व्यू होगा और ये उसका टॉप व्यू होगा. तो साइड व्यू क्या आएगा, दिस पोर्शन, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, उसके बाद में टॉप व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो टॉप व्यू देखो ये उसका फ्रंट व्यू होगा, ये उसका साइड व्यू और ये उसका होगा टॉप व्यू. ओके, तो टॉप व्यू में कितने डॉट्स है, फाइव डॉट्स है, ये रहा. तो ये उसका क्या होगा, टॉप व्यू. ओके, उसके बाद में सर आपने आगे को चलाया, आपको वीडियो आ जाएगा. ओके, यस सर. देखो उसके बाद में द वीडियो, द साइड व्यू ऑफ द गिवन बॉक्स. साइड व्यू आपको लिखना है, साइड व्यू क्या होगा, ये होगा साइड व्यू. ओके, साइड व्यू ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. पेज नंबर कौन सा है, फिर क्वेश्चन नंबर फाइव, द फ्रंट व्यू ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट. फ्रंट व्यू ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट. ओके, फ्रंट व्यू देखो ये उसका फ्रंट व्यू होगा, यहाँ से हम सामने से देखते हैं. ठीक है, कौन सा पेज, ये उसका फ्रंट व्यू होगा. ओके, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर सिक्स, सर कौन सा पेज नंबर, पेज नंबर 35. देखो अभी किसी को कुछ लिखना नहीं है, आपको पीडीएफ मिल जाएगी. ओके, डू नॉट राइट एनीथिंग इन योर वर्कबुक. द फ्रंट व्यू ऑफ द गिवन बॉक्स. फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू क्या होगा, ये होगा ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन. पॉइंट ऑल ऑफ यू, यस सर. उसके बाद में स्टेट ट्रू और फॉल्स. ठीक है, द फ्रंट व्यू ऑफ द फिगर इज, देखो ये फिगर है और ये इसका फ्रंट व्यू, ऐसा वो बता. देखो ये फिगर है और ये इसका क्या है, फ्रंट व्यू. इज ट्रू और फॉल्स, फॉल्स होगा क्योंकि ये तो उसका क्या है, ये उसका साइड व्यू है, ये इसका फ्रंट व्यू है. ओके, तो टॉप व्यू, तो यहाँ पे क्या है, फ्रंट व्यू क्या होगा, ये 1, 1, 2, 1, 2, 3 वाला उसका ये फ्रंट व्यू होगा. ये जो दिया है ना वो क्या है, साइड व्यू है, इसलिए ये क्या होगा, फॉल्स होगा. इसके बाद में सेकंड वाला क्यों फॉल्स है वो आप सोचो. लेक्चर चालू है, नहीं नहीं फॉल्स में. मुझे पता है, सेकंड वाले में लिखा है साइड व्यू और फ्रंट व्यू दिया है. फिगर ड्रो नहीं की है. ठीक है, साइड व्यू उसका आएगा ये, देखो मैं ये जो लिख रहा हूँ ना, देखो यानी कि यहाँ पे जो साइड व्यू दिया है ना वो ये दिया है, पर उसका साइड व्यू क्या है आएगा, देखो ये जो रेक्टेंगल दिया है ना वो ये वाला है, यानी कि ये जो दिया है ना वो उसका क्या है, फ्रंट व्यू है. ठीक है,
और साइड व्यू क्या आएगा उसका, साइड व्यू ये आएगा इतना आएगा, अगर साइड व्यू आएगा वो इतना आएगा, ओके। तो यहाँ पे ये फॉल्स व्यू होगा क्योंकि ये उसका फ्रंट व्यू है, इसलिए ये क्या होगा, फॉल्स होगा। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। यस सर। यस। ओके, फिर देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, द टॉप व्यू ऑफ द टॉय। टॉप व्यू क्या होगा, देखो टॉप व्यू में ये डॉट्स आएंगे, ये टॉप व्यू होगा, ठीक है। पर यहाँ पे जो दिया है ना वो क्या दिया है आपको, ये साइड व्यू दिया है, ठीक है, इसलिए ये गलत है, ये फ्रंट व्यू और साइड व्यू। देखो यहाँ पे ये गलत दिया है, यानी कि टॉप व्यू में तो ये डॉट्स आएंगे, ठीक है, इसलिए ये क्या होगा, फॉल्स होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रंट व्यू ऑफ द कैन। फ्रंट व्यू ऑफ द कैन सही है, देखो फ्रंट व्यू क्या होगा, अगर सामने से कैन को देखते हैं ना तो वो हमें ऐसा ही दिखाई देगा, इतना पोर्शन हमें दिखाई देगा फ्रंट व्यू में, ओके, तो ये सही है, ओके, तो ये क्या होगा, व्यू होगा, ओके। उसके बाद में नेक्स्ट देखो, द फ्रंट व्यू ऑफ द कार। देखो कार को हम सामने से देखते हैं तो कुछ इस तरह से हमें कार दिखाई देती है ना, सामने से देखते हैं तो फ्रंट में से, तो ये भी क्या होगा, व्यू होगा। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। इजी था ना क्वेश्चन? थैंक यू। यस सर। सर बहुत इजी है। हाँ बहुत इजी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ द करेक्ट व्यू ऑफ, ड्रॉ द करेक्ट व्यू टू फिल द ब्लैंक्स। ठीक है, आपको क्या करना है, करेक्ट व्यू ड्रॉ करना है अभी। तो देखो फ्रंट व्यू क्या होगा, देखो ये में पर्सन जो सेव कर रहा है ना वो उसका क्या होगा, फ्रंट व्यू हो जाएगा। ओके, ये क्या हो जाएगा, उसका फ्रंट व्यू हो जाएगा, ये पर्सन उसका फ्रंट व्यू हो जाएगा। ओके, इतना तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है, वो उसका क्या हो जाएगा, फ्रंट व्यू, यानी कि ये वाला। ओके, उसके बाद में फ्रंट व्यू यानी कि फ्रंट में से देखना है। ओके, द टॉप व्यू, तो टॉप व्यू में ये दो डॉट्स आएंगे सर्कल में, तो वो वैसा ही हो जाएगा। टॉप व्यू में क्या हो जाएगा, सर्कल के अंदर दो डॉट्स है, देखो यहाँ पे है ना दो डॉट्स, ठीक है, तो वो उसका क्या हो जाएगा, टॉप व्यू। फिर टॉप व्यू ऑफ, देखो यहाँ पे टॉप व्यू में ऊपर क्या लिखा है, टू लिखा है, तो टॉप व्यू में ऐसे स्क्वायर करके आपको क्या लिखना पड़ेगा, टू, ठीक है। उसके बाद में साइड व्यू ऑफ, देखो साइड व्यू यानी कि इस तरह से देखो कितने ब्लॉक्स है इसमें, कितने स्क्वायर है, 1, 2, 3 and 4, तो 4 स्क्वायर आपको ऐसे वो करते हैं साइड पे, यानी कि इस साइड से देखो ये जो पर्सन में सेव कर रहा हूं ना लास्ट वाला, गेटिंग माय पॉइंट, ये लास्ट वाला जो पर्सन है ना वो, यस सर, वो उसका साइड पे होता है। फिर देखो यहां पे आपको मैच करना है कॉलम 1 एंड कॉलम 2 को मैच करना है। ओके, तो देखो मैच कॉलम वन एंड कॉलम व्यू ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जेक्ट टॉप व्यू। टॉप व्यू से देखो अगर ये ग्लास है तो इसका टॉप व्यू क्या होगा, ऐसा सर्कल होगा ना, तो सर्कल किसमें है, इसमें, तो फर्स्ट वाले में क्या आएगा, बी आएगा। ओके, फिर देखो सेकंड, सेकंड में टॉप व्यू क्या होगा, देखो टॉप व्यू आएगा, देखो ये पोर्शन आएगा ऊपर से देखेंगे तो ये पोर्शन आएगा, और दूसरा कौन सा पोर्शन आएगा, ये पोर्शन आएगा अगर ऊपर से देखते हैं। ओके, यानी कि ये कहाँ से आए, इसको मैच, ये मैच हो रहा है ऑप्शन ए से, ठीक है। देखो इसमें तीन स्क्वायर है ना, पर इसमें भी तीन स्क्वायर हो गए, ये 1, 2 और 3, ठीक है, तो यहाँ पे ये रहे तीन स्क्वायर। इसके बाद में ऑप्शन सी को टॉप में अगर हम देखते हैं तो वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा, क्योंकि इसमें क्या आएगा, ऑप्शन डी आएगा। और इसको देखते हैं टॉप व्यू से, यानी कि आपको ये रेक्टेंगल ये पूरा दिखाई देगा इतना, ठीक है, उसमें आप आएगा ऑप्शन सी है। गेटिंग माय पॉइंट ऑल ऑफ यू? यस सर। सभी को पता चल रहा है ना, टेल मी यस और नो? यस सर। यस सर। जैसा ही वीडियो खत्म होगा उसके बाद में आपको तुरंत इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, और जो स्टूडेंट लेट ज्वाइन हुए ना उसको इसका वीडियो भी मिल जाएगा,
और जो स्टूडेंट हर रोज जॉइन नहीं होते हैं उनको हर रोज वीडियो एक बार रिवाइज करना चाहिए. इट्स फॉर यू, इट्स नॉट फॉर मी. ठीक है, अगर आप अगर आप ज्वाइन हाँ बोलो बोलो एनी डाउट. ज्वाइन होता है फिर भी वीडियो फिर से देखता हूं, कोई गलती नहीं है ना लिखने में? सर हाँ बोलो. सर मैं इतने दिन से अबसेट सा रहा तो मैं, सर मेरा बाकी सा रहा तो मैं वीडियो देख लेता था. सभी को वीडियो देखने के बाद देखो अभी वर्कबुक की पीडीएफ तो हम भेज देते हैं जैसे चैप्टर खत्म होता है, उसके बाद में हम वर्कबुक की पीडीएफ भेज देते हैं. ठीक है, तो आपको भी वैसा ही करना है. ठीक है, आज भी आपको पीडीएफ आ जाएगी इसकी. ठीक है, तो आपको जितने क्वेश्चन हमने सॉल्व किए ना सिर्फ उतने ही करने, आगे आगे नहीं करना है. फिर जैसे जैसे वीडियो में हम सॉल्व करते जाते हैं क्वेश्चन वैसे आपको सॉल्व करना है. गेटिंग माय पॉइंट? यस सर. यस सर. तो आज हम क्वेश्चन नंबर अप टू क्वेश्चन नंबर 5 तक ही रखते हैं. ठीक है, कल हम क्वेश्चन नंबर 6 से आगे सॉल्व करेंगे. गेट माय पॉइंट ऑल ऑफ यू? यस सर. ओके, देखो अभी आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी और वीडियो भी आज आपको मिल जाएगा. ओके, तो लेट ज्वाइन हुए तो एक बार वीडियो देख लेना और पीडीएफ भी देख लेना. फिर अगर कोई डाउट हो तो कल मुझे बता देना. ओके ओके सर. ओके बाय एंड हैव अ गुड डे. बाय 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 सर. बाय सर. बाय सर. बाय बाय बाय.